बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, तो मैं आपको डिटेल में इसका बताऊंगी कि ये ओवन के बग़ैर कैसे बनेगा और इसका डो कैसे बनेगा और ये ओवन में कैसे बनेगा। चलें आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। हाफ कप योगर्ट, इसके लिए चाहिए हाफ टी स्पून नमक, एक टेबल स्पून तंदूरी मसाला, टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये तकरीबन मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, ये क्यूब्स में कटा हुआ है और इससे तकरीबन 4 मीडियम पिज़्ज़ा बन जाएंगे। पहले मैं इसमें दही डाल देती हूँ। बाकी सारे मसाले भी इसमें डाल दें और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे या एक घंटे के लिए रख दें। अब आप चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दें, अब हम डो बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो हम डो को गूंदेंगे उसका मैं पानी तैयार कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है और ये नीम गरम दूध हो, ख्याल रहे ज़्यादा गरम ना हो। आधा कप नीम गरम पानी इसमें शामिल कर दें, स्पून शुगर ये इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दें। तीन कप ये फुल भर के मैंने मैदा लिया है। एक पैकेट ईस्ट है, इसमें तकरीबन 11 ग्राम होता है, 2 टेबल स्पून ईस्ट होता है, इसको मैंने डाल दिया है। हाफ टी स्पून नमक डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। एक अंडा शामिल कर दें, लेकिन ख्याल रहे ये रूम टेम्परेचर पे हो। अब आहिस्ता आहिस्ता जो दूध और पानी का मिक्सचर हमने बनाया है उससे मैं गूंदना शुरू करती हूँ। ख्याल रहे बहुत ज़्यादा पानी एकदम नहीं डाल देना, बहुत थोड़ा थोड़ा डाल के फिर हमने इसको गूंदना है। अब तकरीबन इसको गूंदते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं और मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब ये देखें ये गूंद चुका है और इसका टेक्सचर इस तरह का है, ना ये बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। आप एक पैन लें, उसको ऑयल से ग्रीस करके इसको उसमें डाल के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। अगर तो गर्मी है तो ये जल्दी राइज हो जाएगा, अगर आपके पास सर्दी है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको प्रॉपर गर्म जगह पे रखना है। साथ ही चिकन भी मैरिनेट हो गया है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेशन को, तो अब मैं इसको पका लूँगी। अब ये चिकन को मैंने कुक करने के लिए रख दिया है। अब साथ ही हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाना शुरू करते हैं।
एक हाफ कप मैंने केचप लिया है, इसमें 4 हरी मिर्चें मैंने कूट के डाल दी हैं। इसमें हाफ टी स्पून मैंने तंदूरी मसाला डाला है। और अब हाफ टी स्पून ही नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अगर आपको फ्रेश टोमेटो को सॉस बनाना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ वो आप देख लें। वो भी बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। अब हम जो है पिज़्ज़ा टॉपिंग है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अनियंस हैं, कैप्सिकम, टोमेटोस हैं फ्रेश कुछ काट लिए हैं, स्वीट कॉर्न्स और ऑलिव्स हैं। अब ये सारी चीज़ें रेडी हैं। हम देखते हैं, चिकन हमारा रेडी हो चुका होगा। ये तकरीबन ये दही का पानी खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। और इधर हमारा ये पिज़्ज़ा डो भी डबल हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और अंदाज़े से ये ले लें, तकरीबन 4 मीडियम पिज़्ज़ा हमने बनाने हैं इस डो से। पिज़्ज़ा पैन को आप ग्रीस कर लें ऑयल से। अब पिज़्ज़ा डो को पैन के ऊपर डाल दें, उसके मुताबिक सेट कर लें। ये फोर्क लेके इसके अंदर थोड़े थोड़े इसमें होल्स कर दें। सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। अब हम इस पे डालूंगी मैं तंदूरी चिकन। अब मैं ये अनियन डाल रही हूँ, साथ ही इसके साथ ही आप शिमला मिर्च, टमाटर और सारी टॉपिंग डाल दें। मैं इसमें चीज़ डालूंगी, सबसे पहले मैंने चेडर चीज़ डाला है और उसके बाद मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालूंगी। सबसे आखिर में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ओरिगानो और अब थोड़ा सा इसको टैप कर दूंगी ऐसे।
ये मैंने एक पैन लिया है जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। उसमें मैंने 1 कप नमक डाला है और इस तरह एक स्टैंड रख लिया है। अब इसमें मैं पिज़्ज़ा रख दूँगी। तकरीबन ये 35 से 40 मिनट में पैन इसमें पैन में रेडी हो जाएगा। और ये दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी किया हुआ था। अब इसको हम ओवन में बेक करेंगे। ये तकरीबन 30 मिनट में रेडी हो जाएगा और इसको 170 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आप बेक करें। देखें, ये जो देगची वाला था ये रेडी हो गया है। ये तकरीबन 30 मिनट में रेडी हुआ है और बहुत मज़े का और बहुत डिलीशियस बना है और प्रॉपर ये फूल भी चुका है। ये बिल्कुल रेडी है, अब आप इसको सर्व करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। तो मिलते हैं बहुत सारी नई और मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।